पत्ती जला रात भगा पासा पलट दे बोर्ड उलट दे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। काफी दिनों बाद आज व्लॉग देखने को मिला है एंड आज के व्लॉग में मेरे पार्ट का सबसे जो मेन चीज ऐड हुई है वो है ये मेरी टेबल जो मुझे बहुत पसंद है। तो जल्दी से अपना स्टडी सेटअप जचा लेते हैं जो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम अपनी टेबल लगाएंगे एंड टेबल के साथ मुझे जितनी भी बुक्स पढ़नी है, जो जो चीज़ें मुझे स्टडी के लिए चाहिए, अपनी डायरी स्टडी प्लानर बनाने के लिए, सब ऑल टोटली चीज़ें यहाँ पर हम सेट कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपको ये बताऊँगी कि जब आप पढ़ने बैठो ना तो हमेशा अपनी चीज़ें ना अपने पास रख के बैठो। मान लीजिए आप कोई भी बुक है आपको आगे चाहने वाले, आपको पता ही होता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, इसके लिए हमें क्या क्या यूज में आ सकता है। एक पेन की बोतल भी अपने पास रख लो, रफ कॉपी वगैरह जो भी आपको चाहिए वो सब अपने पास होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक बार आप पढ़ने बैठो, अगर बैठ गए पूरी डिसिप्लिन से बैठो, फिर उठो मत, क्योंकि तभी आपकी स्टडी प्रोडक्टिव होगी। अब आप बैठे हैं फिर 10 मिनट पढ़ रहे हैं, कुछ और चाहिए तो उठ के ले रहे हैं, फिर आप पानी पीने उठ जाते हैं, तो फिर वो वहाँ पे आपका टाइम खराब हो जाता है। तो अगर आप घर पे भी स्टडी करते हो ना तो ये सबसे अच्छा तरीका कि आप काफ़ी देर स्टडी कर पाओ तो उसी टाइम से। तो अभी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है कि मैं टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस लगाती तो क्या हूँ कि देखती हूँ कि जो मैंने किया भी है, पॉलिटिकल मैंने 4 से 5 बार पढ़ ली तो क्या मैंने पढ़ी है, तो क्या मेरे क्वेश्चंस भी हो पा रहे हैं या फिर ऐसे ही पढ़ रही हूँ, तो इसी टाइप से। तो सबसे पहले सुबह मैंने कुछ भी नहीं खाया था, तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट करूँगी। बट उससे पहले मैंने सोचा कि थोड़ी सी मम्मी की हेल्प करा दी जाए, तो मैंने यहाँ पर बनाई थी सब्ज़ी। और मेरी सब्ज़ी बनाने की जो तरीका है वो बहुत ही अलग ही है, शायद क्या पता आपको पसंद भी नहीं आई, बट जो भी है मैंने दिखा दिया। हमको क्या मतलब, हमको तो खाने से मतलब है ना। तो जल्दी से इस चीज़ को कंप्लीट करके अपना ब्रेकफास्ट करके और जल्दी से स्टडी करने बैठते हैं। आप लोगों में से घर पे क्या क्या काम आप करते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आज, कि आप अपनी मम्मी की या फैमिली में किसी की हेल्प करवाते हैं और साथ में कितनी हार्स स्टडी भी करते हैं। तो इसके साथ ना मतलब पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो सारे तो हम ऐसे ही नहीं है कि हम 12 घंटे पढ़ सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा खाना बनके रेडी हो चुका था, देख सकते हैं इसका कलर कुछ ऐसा था, बनने के बाद अच्छी हुई थी, खुद के खाने की तारीफ तो करनी चाहिए। तो अभी मैं आपको खाने के बाद मिलती हूँ अपनी स्टडी टेबल पे। सो फाइनली अपना नाश्ता कंप्लीट करके मैं आ चुकी हूँ अपनी स्टडी टेबल पे। इसी के साथ ही दोस्तों आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। PW का सबसे बड़ा फेस्टिवल विश्वास दिवस आ गया है, जिसका आप सब लोगों को बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अगर आपका टारगेट UPSC 2025 या फिर 17 मार्च को होने वाला UPSC 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो PW UPSC वाला आपके लिए लेकर आया है सेक्शन UPSC 2025 और सेकंड बैच अक्रॉस UPSC 2024 प्रीलिम्स बैच, वो भी अप टू 65% डिस्काउंट के साथ। इन दोनों बैचेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या कॉमेंट बॉक्स में पिन में मिल जाएगी आपको। और इन दोनों बैचेज में अगर आप डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो मेरे कूपन कोड AY500 का यूज करके आप इसमें अच्छा सा डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो जल्दी से चेकआउट जरूर करें। सो फाइनली यहाँ पे मैंने लगाया अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट जो 3 या 3.5 घंटे का था, जिसमें मैंने अपने PI क्वेश्चन पेपर देखे प्रीलिम्स के और एक टेस्ट सीरीज थी उसके क्वेश्चंस देखे, पर ऐसे बैठ के लगाया नहीं, बस ऐसे सोल्व करके देखे थे एंड जो था वो रिवाइज किया। तो चलो इसके साथ कुछ मोटिवेशन लाइन सुनते हैं आज की। दो चीज हमेशा याद रखना लाइफ में, बस दो चीज, एक मंजिल पाने की आस, दूसरा खुद में विश्वास, बाकी सब बकवास, घंटा फर्क नहीं पड़ता, बाहर में जैसे कोई फर्क नहीं। सो फाइनली मैंने अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर लिया। चलो मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, ये बच्चों के 2 बजने वाले हैं और तो आपको पता है आप चलते हैं धूप में, जब सुबह ठंड होती है और जब दोपहर में धूप निकलती है बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने मैथ और रीजनिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी लिखे हैं CSET के लिए, तो कुछ यहाँ पे इस टाइप से। तो आप भी ऐसे करके ना CSET के लिए मैथ और रीजनिंग और जो भी बोधगम्यता है उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह वो लिख लिया करो, थोड़ा बहुत सर्च आप लोग भी करते रहा करो, ठीक है। तो कुछ देर के लिए इसको बाय बोल देते हैं, बाय हम फिर मिलेंगे। सो बाहर निकलते देखते हैं, धूप निकली हुई थी, सच में बहुत रिलैक्स फील होता है अंदर अंदर। आपको पता है हम कितने बोर हो जाते हैं और बट क्या करें, ये स्ट्रगल टाइम है, अभी स्ट्रगल कर लो, बाद में तो सक्सेस मिलनी है, जो मेहनत करता है उनको तो सक्सेस मिलती है। ये देखो कितने आराम से सो रहे हैं, हाय। अरे कहना क्या चाहते हो भाई,
मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अरे तू जा रही। सो अब मैं ले लेती हूँ सावर। तो फाइनली मैं सावर लेके आ चुकी हूँ, बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, मैंने लंच भी कर लिया है। तो अभी हम फिर से अपने स्टडी टेबल पे चलने वाले हैं, फिर से अपने सेकंड स्टडी स्लॉट के लिए। तो इसने मैंने 1 से 2 घंटे का ब्रेक लिया, हाँ 2 घंटे तो हो ही गए हैं, जिसमें मैंने सावर लिया, लंच वगैरह के इधर उधर घूमी ऐसे करके, फिर कुछ काम नहीं दिखा तो सोचा कि चलो अब अपनी स्टडी पे चलते हैं। और यहाँ पे हो रही थी शाम के खाने की तैयारी, देख सकते हो क्या बनने वाला है। आपको पता है हमारे राजस्थान में फिलहाल सर्दियों में जो वो होती है बाजरे की खिचड़ी, वो कितनी अच्छी लगती है, लोग प्रिय मान जाते हैं, मेरे को तो बहुत पसंद है। तो इसी के साथ हम अपनी स्टार्ट करेंगे अपनी स्टडी। धूप है, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड स्टडी स्लॉट, जिसमें भी हम क्या करने वाले हैं, दूसरे टॉपिक से रिलेटेड पीआई क्वेश्चन पेपर एंड एम लक्ष्मीकांत से उसको रिवाइज करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो अभी कुछ दिन से व्लॉग्स नहीं आ रही थी, उसके लिए सॉरी, बट आगे व्लॉग्स आएंगे, क्योंकि ऐसे नहीं है कि कब आएंगे इतना तो नहीं है, लेकिन मैं कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा आप लोगों को बता दिया करूँगी। बट जैसे कि महीने में 1 आ जाए 2 आ जाए 3 भी आ जाएँ, तो मेरे को लगा कि मेरे जो मैं कर रही हूँ वो आप लोगों को भी पता होना ज़रूरी है, आपको भी इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। और जो पहले जितना भी पढ़ा जाएगा उतना आगे जो व्लॉग आएंगे उनमें सब कुछ शेयर रहेगा, जैसे कि वीक या 2 वीक का सारा स्टडी शेड्यूल, ठीक है, तो व्लॉग जरूर देखा करना। सो फाइनली अपना सेकंड स्टडी स्लॉट खत्म हो चुका था और अब हम आ गए थे शाम को, थोड़ा सा इधर उधर घूमे, फिर यहाँ पे डिनर का, मैंने वैसे तो मैं लेट करती हूँ बट यहाँ पे आज खिचड़ी बनी थी, तो मैंने सोचा कि जल्दी खा लेते हैं, क्योंकि वैसे भी ये हल्का भोजन होता है, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि नींद आएगी या और कुछ। तो आप लोग भी ना अपने जो स्टडी स्लॉट है उसको पार्ट में डिवाइड किया करो, जैसे सुबह 3 घंटे का स्लॉट हो गया, दोपहर में 3 घंटे का स्लॉट हो गया, फिर इवनिंग में 3 घंटे, तो ऐसे करके 9 घंटे हो गए। और देखो पूरे दिन में 9 घंटे पढ़ लिया, आप अगर आप थोड़ा सा ओवर टाइम दो तो आप 10 घंटे पढ़ सकते हैं दिन का। इस तरीके से आप बीच बीच में ना ब्रेक ले सकते हैं, आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा और आपके माइंड में जो चीज़ें हैं वो जाए भीगी। तो इस तरीके से आप अपना स्टडी स्लॉट को पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो इसी के साथ लास्ट मोटिवेशन लाइन सुन लेते हैं आज की, तो चलो सुनते हैं। लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है दीवारों पर, 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सो इसी के साथ अपना स्टडी व्लॉग खत्म होता है। आज के व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कर देना और लाइक जरूर कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।